नमस्कार बच्चों, आप गिनती सीख ही चुके हैं। अब आपको ये पता चल चुका है कि दो ज़्यादा है या तीन ज़्यादा है। कौन सा तीन ज़्यादा होते हैं बच्चों, दो कम होते हैं। आपको पता चल चुका है कि जब हम पांच आम खाते हैं और जब हम तीन आम खाते हैं तो कौन से अधिक होते हैं, ये सब आप सीख चुके हैं। चलो अब हम गिनती लिखते हैं। नीचे उतरना है अपने सीढ़ी पे। ये पाँच, ये तीन, क्या है यहाँ पे? सीढ़ी नीचे उतरेंगे ना, छः पाँच चार, उससे एक कम तीन, उससे एक कम दो, उससे एक कम एक। अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ने की बात करें, सबसे पहले एक वस्तु, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात। इस प्रकार से सीढ़ी पर चढ़ने को हम चढ़ना यानी कि असेंडिंग, इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं इसमें। यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वस्तु, उसमें और मिला दी दो वस्तु, ज़्यादा वस्तु तीन वस्तु, फिर चार वस्तु। ये हमारा उतरता यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इसी प्रकार से अब कम ज़्यादा खेल भी खेल सकते हैं। ये चार से आगे क्या आएगा, चार से पहले क्या आएगा, चार से आगे पाँच, चार से पहले तीन, इसे छः, छः से आगे और छः से पीछे क्या आएगा। गिनती पूरी करनी है आपने, पाँच और सात। आगे पीछे का खेल खेल सकते हैं, बीच का खेल भी खेल सकते हैं, सात और पाँच। बीच में क्या आएगा बच्चों, सात और पाँच के बीच में छः आता है ना, इस तरह से चार और दो। बीच में क्या आएगा बताओ, सोचो, दो के बाद तीन, चार, बीच में तीन आता है। इस प्रकार से आप काउंटिंग का खेल खेलें, बहुत ही रोमांचक खेल है काउंटिंग के। पहली क्लास है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है आपने, इंक्रीजिंग, उतरता क्रम, सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे की तरफ और बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे देखो, ये बढ़ना भी आएगा हमारा इसमें। बढ़ना कैसे, हम नीचे से ऊपर चलेंगे। ये हमारा एक, एक के बाद यहाँ ऊपर दो, यहाँ पर तीन वस्तुएँ, एक दो तीन वस्तुएँ, ये दो वस्तुएँ, ये एक वस्तु, यहाँ पर ये चार, यानी कि एक दो तीन और चार वस्तु, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा पाँच, एक दो तीन चार और पाँच। इस प्रकार से आप सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना का खेल खेल सकते हैं।